Welcome back to our YouTube channel Power Uncanny. Today it is about a very important topic related to boiler equipments. दोस्तों जो आज का वीडियो होने जा रहा है वो बॉयलर इक्विपमेंट पे होने जा रहा है। जैसे कि आप मेरे बोर्ड पे आप देख ही रहे हो कि आपको एक बॉयलर स्टीम ड्रम का एक कुछ जो मैंने ड्रॉ कर रखा है डायग्राम्स। आज हम क्या है ये जो मैंने वीडियो स्टार्ट की है इसके ये दो से तीन पार्ट में आने वाली है, क्योंकि इसमें मैं पूरा जो बॉयलर ड्रम्स के इंटरनल्स है वो कैसे काम करते हैं, बॉयलर्स की वो स्टीम ड्रम्स की माउंटिंग क्या होती है, उसके इंटरनल पार्ट कैसे होते हैं, तो बॉयलर ड्रम कैसे फंक्शन करता है, कैसे स्टीम को प्यूरीफाई करता है, तो ये सारी चीज़ें मैं ये आने वाले दो से तीन वीडियो में बिल्कुल डिटेल वे से मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। तो दोस्तों यदि आप भी बॉयलर फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास या इवन बॉयलर शिफ्ट इंचार्ज हो, यदि आपको बॉयलर इंटरनल्स के बारे में नहीं पता है तो दोस्तों डेफिनेटली ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि मैं ब्रीफली से सारी चीज़ें, सारे इक्विपमेंट के कैसे फंक्शनैलिटी करते हो, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों देर ना करते हुए यदि आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चीज़ को लाइक कर दीजिए और नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर मैं क्या है काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाते रहते हैं जो कि आपके आने वाले करियर। इस वीडियो में क्या है हम डिटेल से सारे कंपोनेंट्स के बारे में, जो माउंटिंग लगी है स्टीम ड्रम्स के ऊपर, इसके इंटरनल्स क्या है, सारे डिटेल विषय जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं एज ए क्वेश्चन लेके आपको चलूँगा, ताकि आपको भी जो हमारे फर्स्ट क्लास लोग, भाई लोग हैं जो कि उनको वॉइस में क्वेश्चन पूछा जाता है ड्रम से रिलेटेड, तो मैं किस तरह का क्वेश्चन होता है मैं यहीं पे क्लियर करता चलूँगा साथ साथ की, और साथ साथ में इनकी फंक्शनैलिटी के बारे में बातें करता चलूँगा। तो दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि बॉयलर जो फर्स्ट क्लास होते हैं उनसे पूछा जाता है कि स्टीम ड्रम के अंदर क्या क्या लगा हुआ होता है। बेसिक से क्वेश्चन से काफ़ी लोगों को नहीं पता होता है, क्योंकि पता उन्होंने देखा भी होता तो नाम नहीं जानते। तो सो दैट दोस्तों सबसे पहले हम इसके जो पार्ट्स है ड्रम इंटरनल से, ड्रम माउंटिंग्स है वो क्या क्या होती है उसके बारे में जानेंगे। आफ्टर दैट फिर इसके कैसे जो हमारा स्टीम ड्रम हो क्या क्या फंक्शंस प्रोवाइड करता है ड्यूरिंग ऑपरेशंस उसके बारे में बात करेंगे। फर्दर क्या है हाउ टू स्टीम ड्रम प्योरीफाई द स्टीम, कि स्टीम ड्रम क्या है, कैसे प्योरीफायर करता है, वो सारी चीज़ें जानेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप मुझे देख ही रहे हो कि मैंने डिटेल से सभी पार्ट्स के यहाँ पर मेंशन किया है। मैं हल्का फुल्का एक एक पार्ट के बारे में एक्सप्लेन करता चलूँगा, ताकि आपको रिमाइंड रहे कि कौन सा पार्ट क्या क्या फंक्शन करता है, आगे चलकर क्या है ये आपको काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है। तो सबसे पहले क्या है कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि स्टीम ड्रम इंटरनल्स पार्ट एंड माउंटिंग्स, कि भाई जो स्टीम ड्रम के इंटरनल पार्ट्स कौन से हैं और क्या इसकी माउंटिंग्स हैं, तो सारी चीज़ें इसके बारे में हम आपको यहाँ पे बताने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले कि फीड वाटर लाइन, कि दोस्तों आप लोगों को पता है कि BFP से इकोनोमाइजर के थ्रू क्या है हमारा फीड वाटर क्या है स्टीम ड्रम में आता है। तो क्या है जो किसके द्वारा आता है, वो फीड लाइन के द्वारा आता है। तो जो हमारी फीड लाइन कहाँ पर होगी मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा। जो हमारे फीड लाइन क्या है यदि आप आउटसाइडर देखोगे तो वो टॉप से भी दी जा सकती है, ये डिपेंड टू डिज़ाइन ऑफ बॉयलर होता है, या फिर इससे थोड़ी बॉटम साइड में भी दे सकती है। तो लेकिन क्या है ये यहाँ पे आके मैं आपको यहाँ पे डॉटेड करके दिखा रहा हूँ, ताकि तो फिर क्या है यहाँ पे जो ये इस हेडर में क्या है ये कनेक्ट हुई होती है। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ थोड़ा रोटेट करके। तो दोस्तों क्या है ये इस जो ये आप इस तरीके से सर्कुलर देख रहे हो, तो क्या है ये उसका जो फीड लाइन का जो फीड लाइन है इनसाइड द बॉयलर्स वो है। तो इसमें क्या होती है छोटे छोटे छेद हुए होते हैं, ये क्या जो ये लेंथ है ये फुल द ड्रम अकॉर्डिंग टू ड्रम लेंथ होती है, कि भाई अपना जहाँ तक ड्रम है वहाँ तक इसका क्या है ये यहाँ तक अपनी फीड लाइन होगी। यदि हम सामने से ड्रम ओपन करके देखेंगे तो आपको ये फीड लाइंस क्योंकि इसका क्या साइज़ है और जो लाइन होती जो आगे हम चल के देखेंगे जो सबसे बड़ी डाया होगा वो फीड वाटर का डाया ही होगा। तो क्या है ये इसमें होल इसलिए होते क्योंकि यूनिफॉर्म्स क्या है फीड वाटर की सप्लाई हो सके, और इवन ये सबसे मेन इसका पर्पस होता है कि जो थर्मल शॉक्स होता है वो थर्मल शॉक्स
हीट नहीं करने देती, ताकि जो भी हम फीड वाटर देंगे वो यूनिफॉर्म हीटअप होगा, क्योंकि आपको पता है स्टीम ड्रम में क्या है, टेम्परेचर हायर होता है देन अपना जो फीड वाटर का टेम्परेचर होता है। तो क्या है, जो ठंडा पानी एकदम से गर्म पानी मर्ज होगा तो वहाँ पे क्या है, थर्मल शॉक्स क्रिएट होगा। उसको अवॉइड करने के लिए क्या है, हम क्या जो इन होल्स क्या है, एक स्पेसिफिक अमाउंट में वाटर जो हमारा गर्म पानी है उसमें इंक्लूड होगा, जिससे कि हमारा थर्मल शॉक्स डेवलप नहीं होगा वहाँ पे। और तो दोस्तों ये तो हमारी फीड लाइन थी। फीड लाइन का काम क्या है, जो हमारी फीड वाटर क्या है वो ड्रम में पहुँचाने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। तो सेकंड है केमिकल डोजिंग लाइन। एक इंच की या फिर 1.5 इंच की एक फीड, एक आपको पतली सी लाइन दिखेगी इनसाइड द बॉयलर्स। साथ साथ में क्या है, यहाँ पे उसके पिक्चर भी प्रोवाइड करता जाऊँगा ताकि आपको अंडरस्टूड करने में आसानी रहे। तो दोस्तों इसका क्या है काम होता है, जो हमारा एचपी डोजिंग है, क्या आप सभी को पता है कि जो एलपी डोजिंग होती है वो डिटेक्टर में होती है, और जो अपनी जो एलपी डोजिंग लो प्रेशर डोजिंग होती है वो अपने डिटेक्टर में होती है। जो एचपी डोजिंग होती है वो क्या है, हमारे इनसाइड द बॉयलर होती है। तो जो एलपी डोजिंग में क्या है, हम हाइड्रोजन यूज करते हैं, और जो एचपी डोजिंग में जो केमिकल यूज करते हैं हम, वो क्या है, टीएसपी ट्राइसोडियम फास्फेट हम यूज करते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें केमिकल इंजेक्ट करने की ज़रूरत क्या होती है, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा थोड़ा हल्का सा। एक तो सबसे बात है, जो हमारे स्टीम ड्रम के पैरामीटर्स हैं उनको मेंटेन करने के लिए, वो मेंटेन कैसे होंगे, जैसे कि ये टीएसपी क्या है, एक एच ए पी एच बूस्टर भी काम करता है, लेकिन साथ साथ में क्या करेगा, जो कि हमारी सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज होती है, हमारा ट्राइसोडियम फॉस्फेट है, वो क्या है, पानी के अंदर जो टीनी अमाउंट में सल्स पार्टिकल्स होते हैं, क्या उनको क्या है, लार्जर पार्टिकल में डेवलप कर देता है। यानी जो छोटी छोटी अशुद्धियाँ होती है पानी के अंदर, वो क्या है, उनको बाउंड कर देता है। तो बाउंड करेगा तो वो क्या है, वो एज ए थिक बन के क्या है, यहाँ पे सेटल डाउन हो जाएगी बॉयलर के बॉटम में। तो क्या है, उनको क्या है, हम थ्रू द ब्लो डाउन क्या है, हम उनको बॉयलर से निकाल देते हैं। तो इसी तरीके से क्या है, जो हमारा स्टीम ड्रम के अंदर जो वाटर है वो उसका जो रिक्वायरमेंट पैरामीटर्स है वो हम मेंटेन करते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट है सीबीडी। सीबीडी स्टैंड फॉर कंटिन्यूस ब्लो डाउन, क्योंकि ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं बॉयलर फर्स्ट क्लास से कि सीबीडी का फुल फॉर्म क्या है। सीबीडी का फुल फॉर्म होता है कंटिन्यूस ब्लो डाउन लाइन, और इसी को ही क्या है, सरफेस ब्लो डाउन लाइन बोला जाता है। क्योंकि सरफेस इसलिए बोला जाता है क्योंकि आपने देखा होगा कि हम जो ड्रम लेवल मेंटेन करते हैं वो क्या है, ऑलमोस्ट 50% करते हैं। तो क्या है, इससे कुछ सपोज दैट इससे 1 से 2 इंच के जो बॉटम साइड में क्या है, यहाँ पे क्या है, जो हमारी कंटिन्यूस ब्लो डाउन लाइन क्या है लगी होती है। तो कंटिन्यूस ब्लो डाउन लाइन का क्या फंक्शन है, क्योंकि ये जो भी सरफेस पे जो इम्प्योरिटीज होती है तो क्या है, उनको क्या है, सक करके क्या है, कंटिन्यूस से निकालता रहता है बॉयलर से। जो भी हमारी जैसे कि मैंने जो नॉन एडहेरेंट सल्ज होती है वो सरफेस को फ्लोट करती है, जो सरफेस जो फ्लोट करती है उनको तो क्या है, सीबीडी रिमूव कर देता है, लेकिन जो लार्जर पार्ट में कन्वर्ट हो जाती है उनको क्या है, हम आईबीडी के थ्रू निकाल देते हैं। तो इसीलिए भी क्या है, जो हमारा पैरामीटर है जो स्टीम ड्रम के वाटर की क्या है, ये भी मेंटेन करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट है साइक्लोन स्टीम सेपरेटर। जो आप ये देख रहे हैं ये क्या है, ये साइक्लोन स्टीम सेपरेटर है। इनका काम क्या होता है कि जो भी अपनी जो वेट स्टीम है उसके अंदर जितने भी वाटर पार्टिकल्स होते हैं क्या है, उनको विद द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, उनको सेपरेट कर देता है। और सेपरेट करके क्या है, जो बॉटम में जो भी, जैसे हम यहाँ पे ड्यू टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो दोस्तों जो भी हमारा यहाँ पे राइजर ट्यूब के थ्रू क्या है, जो हमारा वेट स्टीम आएगा तो क्या है, वो क्या करेगा, ये डायरेक्टली क्या है, अपने साइक्लोन सेपरेटर की वाष्प स्ट्राइक करेगा। जैसे स्ट्राइक करेगा तो जो है ड्यू टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, वो सेपरेशन हो जाएगा, और फर्दर जो क्या है ड्राई सैचुरेटेड स्टीम क्या है थ्रू द स्क्रबर क्या है, ये फर्दर प्रीफेरिफिकेशन के लिए जाती है। हम ये आगे डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, यहाँ पर मैं थोड़ा बता रहा हूँ ताकि आपको एक आइडिया हो जाए। तो दोस्तों ये तो हो गया हमारा साइक्लोन सेपरेटर। नेक्स्ट है प्यूरीफायर स्टीम ड्रायर या डेमिस्टर।
दोस्तों ये जो टॉप में लगा है ये क्या है, इसी को हम क्या बोलते हैं, प्यूरीफायर, स्टीम ड्रायर या फिर डेमिस्टर। तो दोस्तों इसका काम क्या होता है कि जो भी स्पोदेट यहाँ तक जो हमारा स्टीम यहाँ से निकलेगा इस स्क्रबर से, तो दोस्तों कम से कम 85 to 90% क्या है वो क्या है, ड्राई हो चुका होगा। इसमें जो भी टिनी पार्टिकल्स होंगे स्पोदेट की, ये काफ़ी जो हमारा डेमिस्टर पैड होता है वो एसएस की हुआ, इसका बिल्कुल एक महीन सा पैड होता है। तो क्या है उसमें क्या है, ओनली स्टीम पास हो सकती है, लेकिन जो भी टीनी पार्टिकल्स होंगे वाटर्स के क्या है वो क्या है इसमें स्टक आउट हो जाएंगे, और क्या है फर्दर वो क्या है ड्यू टू द ग्रेविटी क्या है वो दोबारा से अपने वाटर स्पेस में इंक्लूड हो जाएंगे। तो दोस्तों ये तो था अपने प्योरीफायर का काम, और ये है बैफल प्लेट्स। दोस्तों आप ये देख रहे हो ये हमारी क्या है राइजर ट्यूब से जो भी वेट स्ट्रीम आता है वो क्या है, ये जैसे ही एंटर करता है तो ये हमारे यहाँ पे जो मैं ये जो एरो से मैंने किया ये क्या है बैफल प्लेट से। बैफल प्लेट्स क्या करेंगी, जैसे ही वेट स्ट्रीम स्ट्राइक करेगी अपनी बैफल से तो क्या है, एक तो उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो ड्रॉप हो जाएगी तो क्या है यहाँ पे स्ट्रीम स्लो डाउन हो जाएगी। तो जैसे क्या है ड्यू टू द डेंसिटी क्या है जो वाटर है स्टीम से वो क्या है इनसे टकरा के क्या है बॉटम में गिरने लगेगा, और लेकिन जो स्टीम जिसकी डेंसिटी कम होती है वो क्या है वो साइक्लोन सेपरेटर के लिए निकल जाएगी फॉर द फर्दर प्योरीफिकेशन। तो दोस्तों बैफल प्लेट्स ये काम करती है। नेक्स्ट है IBD, और यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि IBD की फुल फॉर्म बताइए। तो दोस्तों कम से कम 80% लोग को इसकी एक्चुअल डेफिनेशन नहीं पता, एक्चुअली इसकी जो मीनिंग है वो नहीं पता, इसकी फुल फॉर्म नहीं पता एक्चुअली में यदि बात करें। तो दोस्तों बहुत सारे लोग क्या इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट ब्लोडाउन, मैक्सिमम पीपल्स इसी को यही पता है कि IBD स्टैंड फॉर इंटरमीडिएट ब्लोडाउन, लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, एक्चुअल में होता है इंटरमीडिएट ब्लोडाउन पाइप। तो दोस्तों पहले तो ये अपना कंसेप्ट क्लियर कर लो, क्योंकि इंटरमीडिएट नहीं होता, इंटरमिटेंट होता है ब्लोडाउन, और ये काफ़ी बार पूछ लिया जाता है, इंटरव्यू में भी पूछ लिया जाता है, बोली फर्स्ट क्लास के या फिर इवन बायो वाइस प्रिपरेशन में भी पूछ लिया जाता है। सो दैट ये अपने डाउट्स यहीं से क्लियर कर लीजिए, आपको इंटरमिटेंट ही याद रखना है ना कि इंटरमीडिएट। तो दोस्तों नेक्स्ट है IBD की, मैंने आपको बता दिया जैसे कि जो सल्ज पार्टिकल होता है जो हैवी सल्ज है वो बॉटम में सेटल डाउन होंगी, तो क्या है उसको हम थ्रू द IBD क्या है हम निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट है डाउनकॉमर पाइपलाइंस। दोस्तों जो आप ये देख रहे हैं ये क्या है हमारा डाउनकॉमर, यहीं से पाइपलाइन जाती है डाउनकॉमर से। तो आपने देखा होगा जो बॉयलर के चारों तरफ जो रिंग हेडर होता है वो क्या है वो डाउनकॉमर से ही आके वो रिंग हेडर में पानी आता है। दोस्तों डाउनकॉमर का काम क्या है, ये वाटर बॉयलर स्टीम ड्रम से वाटर लेती है और वो क्या है थ्रू द रिंग हेडर क्या है वाटर वाल्व पैनल्स को क्या है वाटर सप्लाई करती है फॉर फर्दर हीटिंग प्रोसेस। तो नाइन्थ है राइजर पाइपलाइंस। दोस्तों जब डाउनकॉमर पाइपलाइंस ने वाटर वाल्व पैनल्स को वाटर सप्लाई किया तो फर्दर फर्नेस में वाटर क्या है हीटअप होगा, हीटअप से ड्यू टू द यू कैन से जैसे ही हमारा स्टीम गर्म होता है गर्म होके क्या है इवेपरेशन स्टार्ट हो जाता है उसका स्टीम का, तो क्या है ड्यू टू द यू कैन से नेचुरल सर्कुलेशंस क्या है जो अपना इवेपरेशन स्टार्ट हो जाएगा वाटर का, तो फर्दर क्या है वो राइजर ट्यूब्स के साथ ही वो क्या है अपने स्टीम ड्रम में इनलेट होता है। तो राइजर क्या है, जो राइजर क्या काम करता है, जो हमारी वेट स्टीम है या फिर ड्राई सैचुरेटेड स्टीम है कि उसको क्या है अपने राइजर ट्यूब के थ्रू क्या है स्टीम ड्रम में भेजता है। तो नेक्स्ट है सैचुरेटेड स्टीम आउटलेट पाइप। तो दोस्तों फर्दर जैसे हमारे जो वेट स्टीम है आफ्टर दैट प्यूरिफिकेशन के सैचुरेटेड स्टीम यदि देखा जाए तो क्या हमने बॉयलर के अंदर जो बॉयलर स्टीम ड्रम है उसके अंदर क्या है सैचुरेटेड स्टीम ही होती है ऑलमोस्ट। सुपर हीटर वो तब होती है जब हम सुपर हीटर के द्वारा उसको फर्दर हीटिंग प्रोसेस में देते हैं। तो दोस्तों क्या है यहाँ पे जो सैचुरेटेड स्टीम आउटलेट पाइप्स है आप ये टॉप पे देखेंगे जब हमारी स्टीम
जो ड्राई स्टोरेज स्टीम है वो क्या है, फर्दर जो अपने डेमिस्टर पैड है या स्टीम ड्रायर है उससे होती हुई क्या है हमारी जो सैचुरेटेड स्टीम आउटलेट पाइप है उसके द्वारा सुपर हीटर में जाती है। तो नेक्स्ट है ये है कि माउंटिंग में आ जाते हैं स्टीम ड्रायर माउंटिंग्स में, उसकी सेफ्टी वॉल्व। आप सभी को पता है कि यदि इवन ड्यूरिंग द एबनॉर्मल कंडीशंस जब कभी भी जो हमारा स्टीम कंप्रेसर है वो अचानक से सूट अप हो जाए, जैसे कि इवन ब्लैकआउट हो जाए इवन, या फिर फर्दर कुछ इस तरीके की कोई एबनॉर्मल कंडीशन आ जाए या फिर एक्सेस फीडिंग हो जाए ड्यू टू द इंस्ट्रूमेंट एरर, तो क्या काफ़ी सारी एबनॉर्मलिटीज आ सकती है। तो ड्यूरिंग यदि हमारा जो ड्रम प्रेशर है वो एक सेट लिमिट से ऊपर चला जाता है जो उसको हम एक्सेस प्रेशर बोल सकते हैं, उस एक्सेस प्रेशर को रिमूव करने के लिए क्या है उसकी सेफ्टी के लिए हमें क्या है सेफ्टी वॉल्व प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि वो एक्सेस प्रेशर को क्या है रिलीव आउट कर सके, ताकि हमारा जो भी बॉयलर इंटरनल्स है उस पर वो डैमेज ना हो। तो नेक्स्ट है ये है एल लेवल गेज ग्लास। भाई इसका जो कई बार क्या होता है जैसे कि हम यहाँ पे हाइड्रोस्टेप भी लगाया जाता है जो कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो कि DCS के पे क्या है हमारा ड्रम लेवल शो कराता है, तो क्या है यदि इवन उसमें कभी एरर आ जाए तो क्या है हम लेवल गेज ग्लास जो कि जो आउटर साइड में लगा होता है आप सभी को देखा होगा आउटर साइड में हमारा क्या है एक गेज ग्लास लगा होता है जिससे कि हम जो एक्चुअल लेवल है इनसाइड द ड्रम वाटर क्या है वो क्या है हम देख सकते हैं। तो दोस्तों ये तो थी कुछ जो इंटरनल्स है अपने स्टीम ड्रम के उसके बारे में हमने बात की। तो दोस्तों यदि आप इन पॉइंट्स में आपको कभी कोई डाउट लगता है कि भाई आपको किसी पॉइंट के बारे में समझ नहीं आया है तो डेफिनेटली हम आपको कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर इसका रिप्लाई करेंगे, और वीडियो में इस तरीके से इसको एडिटिंग कर दूंगा कि आप कोई भी फर्दर आपको कोई भी क्वेरी नहीं आएगी डेफिनेटली। तो दोस्तों यदि आप भी इस प्लेटफॉर्म पर नए हो तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ यदि आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि मैं पहले ही ऑलरेडी बता चुका हूँ क्योंकि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं पावर पॉइंट ऑपरेशन और मेंटेनेंस से लेकर काफ़ी टेक्निकल वीडियो बनाता हूँ जो कि आपके करियर ग्रोथ के लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। तो दोस्तों यदि मेरा जो भावनाएं हैं जो आप तक पहुंची है जो मैं बताना चाह रहा था यदि आपको हिट किया है तो दोस्तों डेफिनेटली आप एक लाइक बटन हिट करके जरूर जाना, यदि नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना, यदि कोई रिकमेंडेड वीडियो आप हमसे चाहते हैं रिगार्डिंग बॉयलर यूटिलिटीज़ थर्मोपैक DM प्लांट या पावर प्लांट ऑपरेशन या मेंटेनेंस आप डेफिनेटली नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपना क्वेरी डाल सकते हैं, हम डेफिनेटली उस पर वर्क करेंगे। दोस्तों आज के लिए इतना काफ़ी, फिर मिलेंगे अच्छे टेक्निकल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, स्वस्थ रहिए सुरक्षित रहिए।